हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप हिंदी का पेज नंबर 67, 68, 69 एक रफ हिंदी की नोटबुक और पेज नंबर 70 तक आपको, मतलब 67 to 70 पेजेस पर आपको ये फुल चैप्टर विद देयर एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो पेज नंबर 67 पर आप देख सकते हैं पार्ट 11, हमारा झंडा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस पार्ट का उद्देश्य देश का गौरव बढ़ाना, राष्ट्रीय पहचान से परिचय, झंडे के महत्व हेतु बच्चों को सारी चीज़ें बताने का यहाँ पर उद्देश्य से ये पार्ट दिया हुआ है। पेरेंट्स ध्यान दें कि इस चैप्टर की रीडिंग आपको बच्चों से ज़रूर करवानी है। फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये दो लाइनें आपने, मतलब बच्चे अभी आप फर्स्ट क्लास में ही हैं, ये लाइनें आपने ज़रूर सुनी होगी जब भी हमारा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे होता है। तो यह गाने की चंद पंक्तियाँ ही नहीं हैं बल्कि हमारे देश की आन बान और शान है हमारा प्यारा झंडा। तो यहाँ पर यह चैप्टर आपको हमारा झंडा यानी नेशनल हमारे झंडे के बारे में चैप्टर दिया हुआ है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन्स हैं। यह एक गाने की केवल लाइन्स ही नहीं है बल्कि हमारे देश की आन बान शान हमारे झंडे के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो प्रत्येक देश की अपनी एक पहचान होती है, हमारे देश की पहचान यह तिरंगा झंडा है। उसमें तीन रंग है, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच का रंग सफ़ेद है और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है। बीच के सफ़ेद रंग में नीले रंग से 24 तीलियों वाला एक चक्र बना होता है। तो यहाँ हर देश की पहचान के तौर पर उसे एक झंडा है और हमारे देश की पहचान तिरंगा झंडा है। तो ये तिरंगा झंडा जो है उसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह तीन रंग का होता है, सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और हरे रंग का होता है। बीच के सफ़ेद रंग में नीले रंग का एक चक्र बना हुआ होता है जिसके अंदर 24 तिलियां होती हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको वो जो हमारा देश का झंडा है वो क्लैरिफाई है, साथ ही में 26 जनवरी 15 अगस्त पर सभी बच्चों ने झंडा देखा होगा। नेक्स्ट आपको आगे दिया हुआ है, झंडे के तीनों रंग एक महान उद्देश्य को लिए हुए हैं, ये सभी हमें सीख देते हैं। केसरिया रंग कहता है वीर बनो, बीच के सफ़ेद पट्टी शांति का प्रतीक है, तो नीचे की हरी पट्टी खुशहाली का प्रतीक संदेश देती है। तो यहाँ पर आपको ये जो तीन रंग हैं हमारे झंडे में, उन तीनों का एक उद्देश्य है जो हमें सिखाते हैं। बच्चे ध्यान दें और पेरेंट्स ध्यान दें कि ये चैप्टर आपको बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। तो केसरिया रंग कहता है कि वीर बनो, बीच के सफ़ेद रंग की जो पट्टी है वो कहती है कि वो शांति का प्रतीक देती है और हरे रंग की जो पट्टी होती है, हरा रंग जो होता है वो खुशहाली का संदेश देता है। बीच में बना चक्र परिश्रम का सूचक है, इसकी 24 तीलियां हमें सिखाती है व्यर्थ ना बैठो, दिन के 24 घंटे परिश्रम करो। तो इसी के साथ में जो साथी में जो बीच में चक्र बना हुआ होता है वो हमें परिश्रम करना सिखाता है। दिन के उसमें जो 24 तीलियां हैं वो दिन के 24 घंटों के का बताती है कि हमें व्यर्थ नहीं बैठना चाहिए और हमें परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारा झंडा वीरता, शांति, खुशहाली और परिश्रम का संदेश देने वाला है। राष्ट्रीय गौरव के इस चिन्ह के लिए कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है, जैसे इसे उतारते व चढ़ाते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हर साल 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर इसी तिरंगे को फहराते हैं एवं 26 जनवरी पर झंडे को बड़े सम्मान के साथ सलामी दी जाती है। इस मौके पर इंडिया गेट पर अनेकों झांकियां, नृत्य व कर्तव्य दिखाए जाते हैं हमारे और देश के मान सम्मान हेतु शपथ ली जाती है। शहीदों ने इस झंडे की इज्जत के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, ऐसे प्यारे झंडे पर हम सभी नतमस्तक हैं, जय हिंद। तो यहाँ पर आपको ये जो चैप्टर दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय गौरव के इस चिन्ह के लिए कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है, यानी कि हमारा जो झंडा है उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे उसे उतारते व चढ़ाते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। और साथ ही में आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पर इस झंडे के साथ झंडे को फहराया जाता है, लाल किले पर इस तिरंगे को फहराते हैं, इसे बड़े सम्मान के साथ सलामी दी जाती है और देश के मान सम्मान हेतु शपथ ली जाती है। शहीदों ने इस झंडे की इज्जत के लिए कई कुर्बानियां दिए हैं, ऐसे प्यारे झंडे पर हम सभी नतमस्तक हैं, जय हिंद। शब्दार्थ आपको यहाँ पर चैप्टर के दिए हुए हैं, जो आप कुछ
हार्गल, जो कुछ मुश्किल शब्द है जिनका सरल अर्थ यहाँ पर बताया गया है। पहला है चंद पंक्तियाँ का कुछ लाइनें, प्रत्येक का हर कोई, उद्देश्य का लक्ष्य हेतु, प्रतीक का पहचान, खुशहाली का सुख से भरी, सूचक का सूचना देने वाला, कुर्बानियाँ जान गवा देना, व्यर्थ का बेकार, परिश्रम का मेहनत, संदेश का खबर, गौरव का मान, अनिवार्य का जरूरी, शपथ का कसम, नतमस्तक का आदर के साथ सर झुकाना यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, पेरेंट्स ध्यान दें, आपको ये सभी शब्दार्थ बच्चों को कॉपी में रीराइट करवाते हुए कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट पेज नंबर पर आप देख सकते हैं, बुक में आपको कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी हुई है। पहला आपको यहाँ दिया हुआ है कुछ कठिन शब्द, नीचे लिखे शब्दों को 5-5 बार लिखें, नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें 5 बार लिखकर आपको कंप्लीट करना है। साथ ही मैं पेरेंट्स ध्यान दें, हर शब्द को लिखने के साथ बच्चे उसे रीड करें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो पहला है पंक्तियाँ, तिरंगा झंडा, पट्टी, चक्र, तिलियाँ, परिश्रम, राष्ट्रीय गौरव, अनिवार्य और कुर्बानियाँ, यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आपको 5 बार लिखते हुए यहाँ कंप्लीट करना है। सेकंड आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, खाली स्थान भरो, यहाँ आपको दिए हुए हैं, आपको यहाँ ब्रैकेट में 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उद्देश्य, कुर्बानियाँ, सावधान और पहचान आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन सभी शब्दों को आपको नीचे खाली स्थान में सही वाक्य में आपको फिल कर कम्प्लीट करना है। पहला आपको दिया हुआ है, शहीदों ने इस झंडे की खातिर कई डैश दी हैं, तो शहीदों ने इस झंडे की खातिर कई क्या दी हैं, तो कुर्बानियाँ दी हैं, आपको सही उत्तर इसमें फील कर कंप्लीट करना है। सेकंड, झंडे को उतारते चढ़ाते समय डैश की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सावधान राइट कर कंप्लीट करना है। तीसरा, प्रत्येक देश की अपनी एक पहचान होती है। और चौथा, झंडे के तीनों रंग एक महान उद्देश्य को लिए हुए हैं, यहाँ पर आपके खाली स्थान पूरे होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जोड़े से मिलान करना है, यानी कि सही जोड़ी आपको बनाकर पूरा करना है। तो पहला है हरा रंग, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, चक्र और तिलियाँ, पहले कॉलम में आपको ये सारे शब्द दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 24, शांति, परिश्रम, खुशहाली और वीरता, तो आपको सही के साथ सही मैच करना है। तो हरा रंग जो होता है वो खुशहाली का प्रतीक होता है, तो आप जब कॉपी में राइट करें तो आप इस तरीके से सही के सामने सही उत्तर लिखते हुए इसे पूरा करें। तो हरा रंग का है खुशहाली, केसरिया रंग का है वीरता, सफ़ेद रंग का शांति, चक्र का परिश्रम और तिलियां का है 24, आपको यहाँ लिखकर पूरा करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको यहाँ सबसे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो है देश, झंडा, रंग, सीख, नियम और 15 अगस्त यहाँ आपको दिए हुए हैं, तो इनका वाक्य बनाकर आपको पूरा करना है। तो इस तरीके से आप कॉपी में इनके वाक्य बनाकर पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला आपको दिया हुआ है देश, तो भारत मेरा देश है, आपको इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखकर पूरा करना है। नेक्स्ट आपको सेकंड दिया हुआ है झंडा, तो हमारा झंडा तिरंगा कहलाता है। रंग का, झंडे में 3 रंग हैं। नेक्स्ट है आपका सीख, कहानी से हमें परिश्रम की सीख मिलती है। नियम, हमें नियम और अनुशासन से रहना चाहिए। 15 अगस्त का, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस तरीके से आपको वाक्य बनाकर पूरे कर लें, यानी कि जो शब्द दिए हुए हैं आपको उन्हें वाक्य के अंदर प्रयोग करते हुए पूरा करना है। और जब वह शब्द वाक्य में आ रहा है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको पेज नंबर 7070 पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे, यानी कि 5 प्रश्न इस चैप्टर के दिए हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तिरंगे झंडे को तिरंगा झंडा क्यों कहते हैं? तो उत्तर में आपको दिया हुआ है, तिरंगा झंडा 3 रंग का होता है, इसीलिए उसे तिरंगा झंडा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे के 3 रंगों के नाम बताइए। तो झंडे के 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद व हरा। प्रश्न 3 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हमारा झंडा क्या संदेश देता है? तो उत्तर में आपको लिखना है, हमारा झंडा वीरता, शांति, खुशहाली, प्रगति और परिश्रम का संदेश देता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रश्न 4,
झंडे को उतारते व चढ़ाते समय किस नियम का पालन करना अनिवार्य है? तो झंडे को उतारते व चढ़ाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य है। आखिरी आपका प्रश्न 5 है, कब कब झंडा फहराया जाता है? तो उत्तर में आपको यहाँ पर लिखना है 15 अगस्त, स्वतंत्रता जो जिसे हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और 26 जनवरी यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस। तो इसी के साथ में आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन है, यह भी करें, नीचे दिए गए खाली स्थानों में दूसरे देशों के झंडे आपको यहाँ पर 3 झंडे दूसरे देशों के चिपका कर यहाँ पूरा करना है। नीचे हिंदी व्याकरण के पोर्शन में आप देख सकते हैं उल्टे शब्दों को पहचाने, जैसे काला का सफ़ेद, वीर का कायर, शांति का अशांति, अनिवार्य का ऐच्छिक और सम्मान का अपमान। और अगला आपको यहाँ दिया हुआ है बिंदुओं को मिलाकर आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपको एक झंडे की पिक्चर दी हुई है जिसकी बिंदुओं को मिलाकर आपको आकृति को पूरा करना है। इसके बाद वैक्स और पेंसिल कलर की हेल्प से इसमें कलर फिल कर कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आपकी चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।